हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का एक पूरा प्रोसेस देखेंगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ होता है निर्माण कार्य, यानी कोई एक नया सामान बनाना, रॉ मटेरियल को परचेस करना, परचेस करके उसको असेंबल करना, असेंबल करने के बाद उसका बना करके गोडाउन में शिफ्ट करना। तो हम यहाँ पूरा गोडाउन के साथ काम करेंगे, और अगर सामान नया बनाते हैं तो उसमें बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब चीज़ें हमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। आइटम का डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यदि अगर हम पूरा एक बल्क में सामान खरीद रहे हैं, यानी एक काफ़ी मात्रा में क्वांटिटी खरीदेंगे, सामान खरीदने के बाद उसमें हम ये जान पाएंगे कि एक पीस को बनाने में क्या लागत लगा, उस आइटम पे हम अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी जोड़ेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ने के बाद उस पर हम GST भी अप्लीकेबल करेंगे। वहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि एक सामान को बनाने में कितना लागत आया। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर बनाएंगे, उसमें जो जो पार्ट्स हमें चाहिए हम कुछ पार्ट के नाम बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पार्ट को बनाते हैं। पहले हमें क्या करना होगा, इन्वेंट्री इन्फो में जाना होगा, और इन्वेंट्री इन्फो में जाकर के हम क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप कहेंगे, स्टॉक ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पर हमें बनाना होगा क्या, कंप्यूटर पार्ट्स के नाम से। यहाँ पे हमने क्या किया कि शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम टू बी एडेड, यस कर लीजिएगा। यहाँ पे GST के बारे में पूछ रहा है तो आप इसको भी यस कर लीजिएगा। GST को अप्लीकेबल करने के लिए आप क्या करते हो, F11 करते हो और F3 करते हो, है कि नहीं। यहाँ पर F11, F3, इसको आप GST को यस कर लेते हो, इसको सेव कर लेते हो। यहाँ पे कुछ फीड नहीं करना है, सेव किया आपने, कंट्रोल A से सेव कर सकते हो आप। और यहाँ पे आपने यस किया, कंप्यूटर पार्ट्स में हम चाहते हैं, यहाँ पे टैक्सीबल कर लिया, 18% टैक्स लग रहा है, हमने सारे पार्ट्स में सेट कर लिया, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद बैग जाएंगे, बैग जाने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मल्टीपल स्टॉक, हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे ख्याल ख्याल करना, हमने जो ग्रुप बनाया कंप्यूटर पार्ट्स, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सेट करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि आइटम कौन कौन सा आइटम चाहिए, तो हम उन आइटम के नाम लिखेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे नाम लिखा, जैसे मदरबोर्ड लिखा, अंडर ग्रुप ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे यूनिट के बारे में पूछेगा, अल्ट के साथ सी प्रेस करिएगा, या बना लीजिए पीस, यहाँ पे सेलेक्ट करिए पीस, इसका पूरा नाम, इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद ऐसे ही आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इंटर करके नीचे आ जाओ, दूसरे आइटम का नाम देना है। ठीक है, तो ऐसे हम सारे आइटम को नाम सारे आइटम को बनाएंगे यहाँ पे। इसके साथ ही हमने ये सब सामान बना लिया, COMS, चिप, हार्ड डिस्क 1 TB, प्रोसेसर, LCD, कॉम्पैक्ट कीबोर्ड, कूलिंग फ़ैन, चार्जर बना लिया हमने। और ये हमारे पास 9 आइटम है, हम एक नॉर्मल सा सामान बना के दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और भी आप सामान बना सकते हो जो जो इसमें इंक्लूड हो सकता है, इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद बैक करेंगे हम, हमें यहाँ पे एक ऑप्शन यूज़ करना होगा गोडाउन, F11 प्रेस करेंगे और प्रेस करेंगे हम F2। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा मेंटेन मल्टीपल गो लोकेशन, आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको यस करना होता है। इसके साथ ही यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा मल्टीपल गो डाउन, इसको भी यस करेंगे आप, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद एक चीज़ ख्याल रखिएगा, इन्वेंट्री इन्फो में जा करके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लोकेशन। ठीक है, लोकेशन में जा करके आप गोडाउन बना लेंगे। यदि आप पुराने वाले वर्जन में काम कर रहे हो तो वहाँ पे लोकेशन ऑप्शन नहीं शो करता है, कभी कभी किसी में गोडाउन के नाम से भी शो करता है, किसी में लोकेशन के नाम से। तो ये लेटेस्ट वर्जन है, 6.15 अपग्रेड वर्जन, तो अगर इसमें आप यूज़ करते हो तो लोकेशन मिलेगा। लोकेशन में जाकर के आप क्रिएट करोगे, हमें RMG यूज़ करना है, यानी रॉ मटेरियल गोडाउन, इसको हम यूज़ करेंगे RMG, इसको सेव कर लेंगे। और दूसरा बनाएंगे हम असेंबली गोडाउन, तीसरा बनाएंगे हम शॉप, सेव कर लिया हमने। 3 गोडाउन हमने बना लिया, बैक करेंगे। अब हमें क्या करना होगा, एक अकाउंटिंग इन्फो में जा करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, बाउचर टाइप बना लेते हैं, क्रिएट करेंगे परचेस इनवाइस के नाम से। यहाँ पे हमने क्या किया, परचेस सेट कर लिया, यहाँ पे हमने लिखा लोकल परचेस। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया लोकल परचेस UP, इंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पे हम बना लेंगे अल्ट के साथ सी करके लोकल परचेस, परचेस अकाउंट सेट किया, इसको हम एज इट इज़ सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे तो आएगा ऑप्शन परचेस टैक्सेबल, हम परचेस टैक्सेबल को सेट करेंगे यहाँ पे, यानी जो सामान अगर टैक्स वाला रहा होता है सामान में हम टैक्स लगाएंगे सीधा सा। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे CGST, SGST,
सी फॉर सेंट्रल, तो हम यहाँ पे सेंट्रल सॉरी ड्यूटी टैक्स सेलेक्ट करेंगे अंडर ग्रुप, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जीएसटी, और यहाँ पे सी फॉर सेंट्रल, यहाँ पे नॉर्मल रखना है। नॉर्मल का अर्थ ये होता है कि अगर अमाउंट पैसे में आ रहा है तो उसको राउंड फिगर कर ले। यहाँ पे हम बनाएंगे एस जी एस टी ड्यूटी टैक्सेस एंड जीएसटी। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्टेट टैक्स नॉर्मल, सेम पॉइंट रहेगा वैसे ही, सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद बैक कर लीजिएगा। यहाँ पे हमें करना क्या है, हम टैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो अब हमें क्या करना होगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। यहाँ यूज़ करना होगा सीधा सीधा F9 प्रेस करिएगा, हमें एक ऑप्शन मिलेगा परचेस इनवाइस, और हमने सेलेक्ट किया लोकल। यही पे हमने जो बनाया था लोकल परचेस यूपी करके, वहीं पे हम इंटर स्टेट का भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे बिल नंबर सेट करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस किस पार्टी से खरीदे हो, अल्ट सी प्रेस करो, यहाँ पे बना लो पार्टी का नाम। मिस्टर शॉर्टन एंड हाउस, यहाँ पे हमने ख़रीदना है तो सर्टिफिकेट हमने कर लिया, क्योंकि इसका बिल हमें बनाना पड़ेगा। और ये हम ख़रीद रहे हैं रेगुलर हैं, इसको हमने सेव कर लिया। एक चीज़ ख्याल रख सकते हैं, यहाँ पे हम जीएसटी नंबर भी हम देख सकते हैं इनका, देना चाहें तो यहाँ पे यस करेंगे, और हम यहाँ पे रेगुलर रखेंगे इनको। यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछ रहा है तो 09, और क्योंकि दो जो होता है वो स्टेट कोड होता है, अल्फ़ाबेट होता है पैन नंबर, और उसके बाद एक अल्फ़ाबेट होता है, फिर दो नंबर होते हैं। सेव करोगे इसको। सेव करने के बाद यहाँ पे आप पूछेगा आइटम, जितने भी आइटम हैं उन आइटम को आप ख़रीद लो। जैसे हमने लिया मदरबोर्ड। लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ पे हम लोकेशन स्पेस प्रेस करेंगे। यहाँ पे है मेन लोकेशन जो ऑलरेडी बना पड़ा रहता है, हमें यूज़ करना है RMG। कितना हम चाहते हैं, 100-100 पीस सबका ख़रीदना, ठीक है। 100-100 पीस अपने स्टॉक में रख लेंगे, या 200 पीस रख सकते हो, 2-2 पीस सबको रख लो। 2-2 पीस रख लिया, और इसका रेट आपने लगा दिया। देखो मदरबोर्ड के साथ बात कर रहे हैं, तो मदरबोर्ड में जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, वो सारे पार्ट्स लगे हुए हमें चाहिए। ओके, तो हमने मदरबोर्ड सेट कर लिया। जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा, अगर डिफरेंट टाइप का भी मदरबोर्ड, अलग अलग टाइप के आते हैं। हमने इसका रेट सेट कर लिया 5,000 रुपये। इसको सेव कर लेंगे हम। सेव करने के बाद हम स्पेस प्रेस करेंगे, जितने भी हमारे पास आइटम है उन आइटम के हम नाम लिख लेंगे। LCD लिया, लोकेशन हम सेट करेंगे क्या, RMG 200 पीस, जितने भी ऑप्शन है सबके हम लेंगे। और LCD में मिला है कितने का, 3,500 रुपये का पर पीसेस। स्पेस प्रेस किया, चार्जर हमने सेट कर लिया, RMG को डाउन, तो R प्रेस कर दोगे वैसे भी मिल जाएगा 200। और चार्जर आपको पड़ा है कितने का, ये पड़ा है 220 रुपये का। और यहाँ पे COMS चीप, RMG 200 पीस, चीप का रेट पड़ा है कितना, ये है 250 रुपये का पड़ा है। यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉम्पैक्ट कीबोर्ड चाहिए हमें, RMG प्रेस किया 200, रेट लगा दिया कॉम्पैक्ट कीबोर्ड का 120 रुपये। और यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, 120 नहीं, क्योंकि कॉम्पैक्ट कीबोर्ड पूरा बोर्ड के साथ आता है अगर लैपटॉप बना रहे हो तो। यहाँ पे हमने सेट कर लिया, ये पड़ा है हमारे 450 का। इसके बाद कूलिंग फैन के बारे में बात हो रही है, RMG लेंगे, R प्रेस करके 200 पीस है। कूलिंग फैन पड़ा है 30 रुपये का। इसके बाद हम यूज़ करेंगे हार्ड डिस्क 1 TB, RMG को डाउन 200 पीसेस। हार्ड डिस्क हमारे पास है, इसका स्टॉक हम सबको 200-200 पीस खरीद रहे हैं। आप आपको जितना स्टॉक समझ में आएगा उतना खरीद सकते हो, लेकिन समझने के लिए हम इनका इस्तेमाल तो करेंगे। और हमने इसको सेट कर लिया, इसका रेट 4,000 रुपये। सेव किया, इसको हम कम कर लेते हैं थोड़ा, 3,200 रुपये हार्ड डिस्क हो गया, और LCD हो गया, मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर जो आपका लेटेस्ट होगा वो भी यूज़ कर सकते हो, 2.5 GHz प्रोसेसर कोई भी, तो प्रोसेसर आप देख सकते हो। हमने इसको अलग अलग रेट रहेगा, तो इसका हम रेट फ़िलहाल रख देते हैं 1,350 रुपये।
जो मार्केट की वैल्यू होगी वो अलग तरीके से होगी। इसके बाद रैम, 4 GB की बात बारे में बात हो रही है, RMG 200 पीसेस रैम आपने ख़रीदा, इसका रेट पड़ा 1350 रुपये। सेव कर लीजिए, देखिए इसमें टैक्स भी आ गया, यहाँ पर ध्यान से दे सकते हैं आप। ये टोटल आपको आपने जो परचेस किया 30,70,000 रुपये का, और टैक्स पे कितना पड़ा 2,76,300 रुपये, टोटल जोड़ के कितना आया 36,22,600 रुपये। यहाँ पूछ रहा है ई वे बिल जनरेट करना है, यस करके आप यहाँ पर ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, सप्लायर नंबर, डेट ऑफ और डिस्टेंस के लिए कितना किलोमीटर कहाँ से कहाँ जा रहा है उसके बारे में डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप दे सकते हो कि जैसे गोरखपुर से कहीं और जा रहा है या लखनऊ से बनारस आ रहा है तो ये आप डिस्टेंस दे सकते हो, ठीक है, 320 किलोमीटर। और ट्रांसपोर्टर नेम कौन बंदा, उसका नाम दे सकते हो, ये ट्रांसपोर्टर ID नंबर और जिस गाड़ी से आ रहा है उसका नंबर, ठीक है, और किसके माध्यम से आ रहा है, और एयरवे जो भी आप जिसके माध्यम से आएगा उनका नाम देंगे, डेट देंगे और कंसाइनर नेम, इसको सेव कर लेंगे हम, एड्रेस वगैरह दे करके डिस्पैच या दिया डिस्पैच फ्रॉम, इसका डिटेल फीड कर लेंगे हम, फीड करने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे फ्रेट चार्जेस भी हुआ है, तो फ्रेट चार्जेस कैसे हम दिखाएंगे उसको हम दिखाते हैं कैसे करना है। इसको सेव कर लीजिएगा, सेव करने के बाद बैक जाइए, अब यहाँ पे इसको ये डबल डी प्रेस करिएगा, इंटर करिएगा, और हम यहाँ पे नीचे आएंगे इंटर करके करते हुए, जैसे हम इंटर करेंगे एक और ऑप्शन पूछेगा, स्पेस करिएगा, हम यहाँ इसको यूज़ करेंगे अल्ट के साथ सी, फ्रेट चार्जेस, फ्रेट एक्सपेंसेस, यहाँ करेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी सेट था इसलिए वो नहीं आएगा, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस रखिएगा, सेव कर लीजिए कंट्रोल ए से। हमने कहा कि 5,000 रुपये पे गाड़ी का किराया भी लगा है, इसको सेव कर लीजिए, अभी कितना है 36,22,600 रुपये, इंटर करिए, अब आपको दिख सकता है 27,000 हो गया, ठीक है ना, अब इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आपने फ्रेट चार्जेस भी लगा दिया, अब क्या करना है हमें, इन जितने भी आइटम हमने बनाया उनको हमें ट्रांसफ़र करना होगा, यानी अब देखिए हमारे पास स्टॉक में हो गया सामान, और स्टॉक को सामान देखने के लिए हम डे बुक में जाते हैं, डे बुक में एक ऑप्शन होता है यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स, इसको ओपन करके हम स्टॉक आइटम में जाते हैं और हम बारी बारी इनको देख भी सकते हैं पूरा डी जाएगा डिटेल। ओके, इसके साथ ही हम इसको क्या करना है, हमें इसको ट्रांसफ़र करना है, यानी जितना स्टॉक आएगा हम असेंबली करेंगे और मैन्युफैक्चर करके बना लेंगे, तो हमें क्या करना है, अकाउंट इन्फो पर जाना होगा, बाउचर टाइप, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अल्टर, हम सेलेक्ट करेंगे स्टॉक जनरल, स्टॉक जनरल में हमें क्या करना होगा, एक काम करना होगा, हमें यहाँ लिखना होगा ट्रांसफ़र, इंटर करेंगे, यहाँ पूछेगा यूज़ क्लास फॉर इंटर लोकेशन ट्रांसफ़र, यस, इंटर गो डाउन मतलब वहाँ लिखा रहेगा, बैक करेंगे, बैक करने के बाद हम जाएंगे अकाउंटिंग बाउचर में, इंटर प्रेस किया और प्रेस करेंगे हम F7 नहीं अल्ट के साथ F7, यहाँ पूछेगा ट्रांसफ़र, यहाँ पर सेलेक्ट किया, और यहाँ एक चीज़ ख्याल रखना है कहाँ ट्रांसफ़र करना है, असेंबलिंग में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना, यहाँ पर जहाँ पर माल बनेगा जितना का ऑर्डर मिल गया उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई पार्टी है 100 पीस का ऑर्डर दे दिया, या कोई कंप्यूटर शूट है उसने 40 पीस का ऑर्डर दे दिया, उसी के अकॉर्डिंग आपको सामान बनाना है, ठीक है, मान लो किसी पार्टी ने आपको ऑर्डर दे दिया किसी कंपनी ने कि हमें 80 लैपटॉप चाहिए, तो हम 80 आइटम को बनाएंगे, ठीक है ना, स्पेस स्पेस किया, जितने आइटम हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे बारी बारी, पहले हमने सेलेक्ट किया मदरबोर्ड, लोकेशन के बारे में बात हो रहा है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कहाँ पे, देखो ऑटोमेटिक दिख रहा है कि RMG में है, 200 पीस सेलेक्ट करो, 80 पीस का ऑर्डर मिला तो हम 80 पीस से ही बनाएंगे, ठीक है ना, बाकी पड़ा रहेगा, और हम जितने भी आइटम सबको सेलेक्ट कर लेंगे, RMG 80 पीस लेके सबको बना लेंगे, हम सबका नाम देंगे बारी बारी, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे इसको। पूरा बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, इसमें आइटम का नाम पहले यहाँ पर डेस्टिनेशन गोडाउन, डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे पहुँचेगा माल, ठीक है, तो असेंबलिंग गोडाउन में आपको ट्रांसफ़र करना होगा किससे, RMG गोडाउन से, यानी रॉ मटेरियल गोडाउन से आपको माल ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे, असेंबल गोडाउन में, ठीक है, तो आपको आइटम सेलेक्ट करना होता है और लोकेशन सेलेक्ट करना होता है और क्वांटिटी देना होता है, रेट ऑटोमेटिक आता है। सेव करिए इसको, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे ट्रांसफ़र मटेरियल नीचे लिख दीजिए, सॉरी ट्रांसफ़र मटेरियल असेंबलिंग
गोडाउन, जहाँ पे गोडाउन होगा उसका नाम लिख दोगे आप, ठीक है ना, जो भी शो जिस शोरूम का नाम होगा जहाँ पर बनता है माल उनका आप पूरा नाम लिख दोगे बकायदा। अब इसको सेव कर लिया, अब बैग जाओ, बैग जाने के बाद जो आप सामान तैयार करोगे उस सामान का नाम देना है। इन्वेंट्री इन्फो पे चले जाओ, यहाँ पे यूज़ करोगे स्टॉक आइटम, यहाँ बस क्रिएट करोगे एक लैपटॉप का नाम बनाओगे कि इससे आप कौन सा लैपटॉप बना रहे हो। क्रिएट पे आप गए, आप यहाँ पे यूज़ करोगे क्या, F12 करोगे, यहाँ यूज़ करोगे बिल्स ऑफ मटेरियल, इसको यस कर लेना। यहाँ पे यस करने के बाद हम यहाँ पे नाम लिखेंगे क्या, हम जो एक सामान का नाम बना रहे हैं, हमने सामान का नाम दे दिया क्या, एक हम देखते हैं लेनोवो, लेनोवो का हम बना रहे थे लैपटॉप। इसका मॉडल वगैरह हम सारी सारी चीज़ें हम कॉन्फ़िगरेशन देंगे। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ और मॉडल देना चाहो तो F12 करके यहाँ पे आपको दिखेगा MRP, मार्जिन कॉस्ट वगैरह। लेकिन अभी हम सामान बना रहे हैं ना, हम इस पर मॉडिफिकेशन बहुत सारा करेंगे, ठीक है, अभी नहीं करेंगे, अभी फ़िलहाल केवल हमें मॉडल रेडी करनी है। हम यहाँ पे अल्ट से सी प्रेस करेंगे, हम एक अंडर ग्रुप बनाएंगे क्या, फिनिश गुड्स, मतलब क्या, फिनिश का अर्थ यहाँ पे होता है सामान तैयार, नहीं सॉरी, तैयार सामान, ठीक है ना। इसको हम सेव कर लेंगे, हम कोई डिटेल अभी फीड नहीं करेंगे, केवल पीस रख के छोड़ देंगे। यहाँ पर एक चीज़ ख्याल रखना होगा, हमें यूज़ करना होगा बॉम, यानी बिल्स ऑफ मटेरियल, यस करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे डिटेल्स ऑफ पार्ट्स, हार्डवेयर पार्ट्स, एंटर करिएगा। अब पूछेगा क्या कि आप जो यूनिट मैन्युफैक्चर करो, एक एक पीस लेकर के एक, यानी एक लैपटॉप बनाइएगा तो उसमें एक एक पीस लगेगा, एंटर करिएगा। आप सारे आइटम आपके पास जो हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए, आपने लोकेशन कौन सेलेक्ट करना है, असेंबलिंग गोडाउन, ख्याल रखिएगा क्योंकि असेंबली में आपने ट्रांसफ़र किया है। हमने सेलेक्ट किया असेंबलिंग गोडाउन, यहाँ पर प्रेस करेंगे वन पीस। इसी तरीके से हम जितने भी सामान होंगे हम सारे सामान को नाम लिख लेंगे, हम सेट करेंगे एक एक पीस लेकर इसको सेट करेंगे। हम सारे आइटम को ऐसे बना लेंगे, आपको ये दिख रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो ना उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी काम कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो उसमें एक ऐसा टूल होता है जैसे स्निपिंग टूल, आप अपना विंडो पर की प्रेस करोगे वहाँ पे लिख के आएगा स्निपिंग, SNIP, एंटर प्रेस करो, वो जो टूल आएगा उससे किसी भी एरिया का लोकेशन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आप मोबाइल से भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट। अब इसको हम सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद हमें अभी स्टैंडर्ड रेट वगैरह कुछ भी सेट नहीं करना है क्योंकि अभी हमने सामान बनाया नहीं है पूरा कंप्लीट, ठीक है, इसको हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे सेव करने के बाद हमें बैक करना है, अब हम अकाउंट इन्फो पे जाएंगे, एंटर किया हमने, हमें यूज़ करना होगा बाउचर टाइप, और हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे बाउचर मैन्युफैक्चरिंग के नाम से, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जर्नल, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्टॉक जर्नल, और सबसे नीचे यूज़ करेंगे हम लिखा हुआ आएगा यूज़ एज मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जर्नल, इसको यस करेंगे। इसको हम एज इट इज़ सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद बैक जाएंगे, ओपन किया अकाउंटिंग बाउचर और यहाँ पे प्रेस करेंगे और साथ F7, हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जर्नल, हमने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, आप कौन सा सामान बना रहे हो, अभी हमने जो सामान बनाया था हम उनको देखेंगे। एक्चुअली ख्याल रखो यहाँ पे बैच नेम आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट आ रहा है, अगर ये नहीं शो कर रहा है तो आप क्या करोगे, F11 प्रेस करोगे और यहाँ पे F2 प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे लिखा हुआ बैच वाइज डिटेल्स को यस करोगे, एक्सपायरी डेट वगैरह सेट करोगे, ठीक है, इसको आप क्या करो सेव कर लो। सेव करने के बाद यहाँ पे स्पेस प्रेस करोगे, जो आपने सामान बनाया था कौन सा बनाया सामान उसका सेलेक्ट करोगे, ये रहा लेनोवो लैपटॉप। आप पूछेगा लोकेशन कौन सा, कहाँ पे आपको शिफ्ट करना है, शॉप में, ठीक है, आप क्वांटिटी कितना 80 पीस, जैसे इंटर करोगे आपको पूरा पूरा डिटेल ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद बैक बटन प्रेस करो, यहाँ पे गोडाउन वगैरह आ गया, सेट कर लो। अब क्या इस्तेमाल करना है हमें, हमें इनमें इस्तेमाल करना होगा अब यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखो, यहाँ पे बैच नेम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट नहीं आ रहा है, तो आप क्या करना, आइटम पे वापस चले जाओ, यहाँ पर आइटम दिख रहा है, कंट्रोल इंटर प्रेस करो और ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे यूज़ कर लेना, येस करना, यानी मेंटेन इन बैच, और पूछेगा ट्रैक डेट मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, और एक्सपायरी डेट, येस कर लेना, इसको क्या करो, इसको सेव कर लो।
ठीक है। सेव करने के बाद आप यहाँ पे जैसे जाओगे इंटर करोगे, आपसे पूछेगा बैच नंबर, यहाँ पे न्यू नंबर करके यहाँ पे बना लेना बैच नंबर जो बनेगा, ठीक है। तो आपने रख लिया बैच नंबर 1। और मैन्युफैक्चरिंग डेट, जो डेट बन रहा है जिस डेट को, यानी आपका जिस दिन सामान बनेगा वो डेट होगा। एक्सपायरी डेट के बारे में बात हो रही है, तो बेस्ट कह सकते हो यहाँ पे कौन सा डेट आपने सेट कर लिया है, 2 अप्रैल 2/4/2035 कर लिया आपने, यानी इतने तक ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। आप सेट भी कर सकते हो, और बाकी जैसे सामान होगा, जैसा सामान होगा वैसा ही हम रखते हैं यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसको हम सेव कर लेंगे। अब ख्याल रखना, अभी आपको जो रेट दिख रहा है यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इंड ऑफ लिस्ट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर आइटम पूरा रेट सेट हो चुका है, अब हम यहाँ यूज़ करेंगे जो इस पे एक्सपेंसेस वगैरह पूरा लागत है, यानी अगर सामान बन रहा है तो आपको पता ही है बिजली का लागत और जो मेंटेनेंस के चार्ज, यानी सारे एक्सपेंसेस भी इसमें हम जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बना लेते हैं लेज़र कंपनी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, हम यहाँ बनाते हैं, लिखते हैं हम कंपनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसको हम क्या करेंगे सेट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, कंट्रोल एस इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अभी ध्यान से देखो, यहाँ पर अभी बता रहा है इसका जो रेट बता रहा है, 15,350 रुपये इस टोटल को बनाने में लगा, यानी एक पीस का रेट क्या है 15,350। यहाँ पे क्या दिख रहा है, टोटल एडिशनल कास्ट यानी 12,28,000 ये, ओके फाइन। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अभी 15,350 रुपये है ना, कंपनी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको बनाने में पूरा लागत, यानी इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में, और फ्रेट चार्जेस वगैरह बहुत सी यूज़ हुए, वेजेस लगा, ठीक है ना, सामान को इधर उधर ट्रांसफ़र करने में, तो इसको टोटल जो यूज़ हुआ 1,50,000 रुपये हुआ कंपनी को। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने सेट कर लिया 1,50,000 रुपये, एंटर करेंगे, ये पूरा इस पर जुड़ जाएगा। इसके साथ हमने क्या किया, 1,50,000 रुपये सेट किया, एंटर करके रहा आओ नीचे। आप चाहते हो कुछ और भी, जैसे चाहते हो कि हर एक आइटम पर आपको बेनिफिट हो, तो अल्ट के साथ सी करो, यहाँ एक बना लो आप पर आइटम, अगर चाहो तो बना सकते हो, ज़रूरत नहीं है, पर आइटम इनकम इनडायरेक्ट कर लो इसको, इनडायरेक्ट इनकम कर लो, इसको सेव कर लो, यहाँ पे इसको सेट कर लो, क्या इसका रेट भी आप सेट कर लो, कि आपके पास 80 पीस है, आप चाहते हो कि हर एक पीस पर आपको कम से कम 1,000 रुपये मिले, तो आपने क्या करना है, आप लिख दो 80,000 रुपये, ठीक है। 80,000 रुपये आप जैसे दे दोगे, एंटर करो, तो क्या होगा, ये हो जाएगा टोटल 18,225 रुपये पर पीसेस, समझ में आया। इसी तरह से जितने भी आपके एक्सपेंसेस वगैरह होंगे आप यहाँ पर दे दोगे, ठीक है, वो जुड़ के यहाँ पे आ जाएगा। अभी आपको ये मालूम चल रहा है कि 18,225 रुपये में एक लैपटॉप बन गया, अब इसको क्या करो, सेव कर लो, ओके सेव हो जाएगा। अब बैक करो, बैक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, एक मिनट वापस हमें दिखा देते हैं, वापस वापस आपको डबल डी प्रेस करके मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जनरल, 18,225 रुपये में ये टोटल बना हुआ है। हम चाहते हैं कि ये जो सामान बेचे, यानी लैपटॉप, जो एक लैपटॉप बना हुआ है, ठीक है, उसको हमें कितना बेचना है, हमें बेचना है 22,999 रुपये में। तो उसको कैसे करोगे, ये बहुत ही कमाल का चीज़ होगा, उसको हम देखते हैं, ठीक है। हमें क्या करना होगा, पहले हम अकाउंट इन्फो जाएंगे, एक हम बनाएंगे बाउचर टाइप पे लेज़र, हम एक बाउचर बनाएंगे, सॉरी, हमें क्या करना होगा, लिखेंगे हम सप्लायर इनवॉइस, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेल्स, ये ऑलरेडी हमारे पास होगा, ठीक है। अब यहाँ पे यस कर लेंगे, इसको हम सेट कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन, हमने सेट करना है कंपनी का नाम, और यहाँ पर इसका फाइनेंशियल डेट, इसको हम सेव कर लेंगे। यहाँ पर हम चाहते हैं टाइटल, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम टैक्स इनवॉइस, इनवॉइस यहाँ पे यूज़ करेंगे ज्यूरिडिक्शन, यानी किस कहते ना क्षेत्राधिकार इसका बारे में पूछता है, यानी जहाँ बना हुआ है वो उसका हेड ऑफिस का बोल देंगे हम,
वाराणसी, ठीक है, ज्यूरिडिक्शन। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या, हम बनाएंगे लोकल सेल। इसी के साथ हम यहाँ पे भी इंटर स्टेट सेल भी बना सकते हैं, हमें यूज़ करना है यूपी, क्योंकि हम यूपी से हैं तो यूपी बना लिया हमने, इंटर किया। आप जो भी स्टेट से होंगे आप बना सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अल्ट सी प्रेस करिए, यहाँ बनाइए लोकल सेल, यहाँ पे सेल अकाउंट सेलेक्ट किया, इसको एज इट इज सेव कर लो कंट्रोल से। यहाँ पे येस प्रेस करोगे और स्पेस बटन प्रेस करके आप यहाँ पे टाइप कर लो सेल्स टैक्स सी बिल, नीचे आ जाएगा, इंटर करो। ऑलरेडी हमने सी जी एस टी बनाया था, हम सी जी एस टी सेलेक्ट करेंगे, एस जी एस टी भी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक और बनाएंगे हम राउंडिंग ऑफ, अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे ऑफ। यहाँ पे हमने यूज़ करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्या होता है इसको समझिएगा, ये जो अमाउंट आता है ना रुपए में, सॉरी जो पैसेज में आता है उसको कॉन्फिगर करेगा, राउंड कर देगा। हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, यहाँ यूज़ करेंगे डाउनवर्ड और यहाँ पे वन रखेंगे हम। अब एक चीज़ ख्याल रखो, यहीं पे आप क्या कर सकते हो, जब इसको बना लो आप चाहते हो तो यहाँ पे इनडायरेक्ट सॉरी इंटर स्टेट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंटर स्टेट सेल लिख करके आप इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सेम सेम कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यूज़ करना होगा आपको अल्ट सी प्रेस करके इंटर। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके पास कितना हो टैक्स हो, यानी 5% टैक्स हो या 12% टैक्स हो, 18, 28 हो, कोई भी टैक्स हो, आप एक ही साथ सब काम कर पाओगे, ठीक है ना। आपने यूज़ करना है सेल्स टैक्स बिल, सॉरी आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे यस करो, आई प्रेस करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा इंटर स्टेट टैक्स सेल्स टैक्स बिल। यहाँ पे यूज़ करना होगा अल्ट सी प्रेस करके आई जी एस टी ड्यूटी टैक्सेस, क्योंकि जो भी टैक्स होते हैं वो ड्यूटी में होते हैं, क्योंकि ड्यूटी क्या होता है, एक टैक्स लाइबिलिटी होती है, ठीक है। जीएसटी सेट करो, यहाँ यूज़ करोगे क्या आई फॉर इंटीग्रेटेड, नॉर्मल रखो यहाँ पे वन, सेव कर लो इसको। सेव करने के बाद यहाँ पे यूज़ कर लो राउंडिंग जो हमने बनाया था, और राउंडिंग कैसा, यहाँ पे अमाउंट राउंडिंग एंड डाउनवर्ड, अगर चाहते हो तो उसको बना लो, वन प्रेस करो, इसको सेव कर लो। जब ये सेव हो जाए बैक जाओ, बैक जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है हमें, हम वापस जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में और 22,000 कितना था एक बार फिर से देख लेते हैं हम अमाउंट, हमारे पास था सॉरी 18,225 रुपये, ठीक है ना। हमें क्या करना होगा, वापस जाना है इन्वेंट्री इन्फो में, इंटर किया हमने, अल्टर पे जाएंगे, हमें यहाँ पे यस करना होगा। अगर ये आपको दिखेगा ना अल्टर स्टैंडर्ड रेट, तो आप F12 करिएगा, सबसे नीचे होगा, नीचे से ऊपर, इसको यस कर लीजिएगा, इसको यस करिएगा, वापस पूछेगा डेट, डेट सेट कर लीजिए। 22,225 रुपये में था, ठीक है, इंटर किया, यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बढ़ा। आपको बेचना कितने में, हमने कहा 22,999 में हो, ठीक है, तो उसको भी आप सेट कर सकते हो। तो ख्याल रखना आपको जब भी यूज़ करना होगा तो आप 23,000 में निकालोगे, कंट्रोल एन करो, यूज़ करो आप 23,000, 22,999 चाहिए ना, तो 23,000 लिखो और 00 बढ़ा दो, ठीक है। 00 बढ़ाओगे, डिवाइड करो, 18% टैक्स लगा रहे हो तो यहाँ पे 100 उसमें ऐड कर लो तो 118 कर दो, ठीक है। यानी पहले वाले में 20 बढ़ा दो और दूसरे वाले में 100 ऐड कर लो, इसको क्या कर लो, इंटर करो। अभी आ गया 19,491 रुपये, यहाँ पर लिख दो 19,491 रुपये पॉइंट, ठीक है। हमें इसका पैसा भी लिखना होगा, हम इसका पैसा भी लिख देंगे, ठीक है। तो हमें 23,000 निकालना होता है, इसको हम सेव करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन इसका पूरा सेट कर लेंगे हम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन सेट करने के बाद यहाँ पे एचएसएन नंबर लगा के दे देंगे हम, बैच नंबर, यहाँ पे एचएसएन नंबर, और यहाँ पे टैक्सीबिल यूज़ करेंगे, सॉरी हमें यूज़ करना है ऑन वैल्यू। यहाँ पे हम टैक्सीबिल सेलेक्ट करेंगे और 18% सेट किया, ये ऑटोमेटिक सेट कर लेगा,
इसको हम सेव कर लेंगे यहाँ पे। सेव करने के बाद हम बैक जाएंगे। अभी आप देखना चाहते हो कि यहाँ पे हमने जो बनाया सामान वो है कि नहीं, डिस्प्ले पे चले जाओ, यहाँ पे मिलेगा स्टेटमेंट बुक्स, स्टॉक आइटम, सेलेक्ट कर लो लेनोवो लैपटॉप हमने बनाया था। आप देखना चाहते हो देख लो, यहाँ पे 80 पीस आपको दिख रहा है, ठीक है, और बैक करो। अब हमें क्या करना है, सामान को बेचना है। अकाउंटिंग वाउचर पे गए, एफएड प्रेस किया, सप्लायर इनवॉइस को सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप कैसे सामान बेच रहे हो, लोकल बेच रहे हो, इंटरेस्टेड बेच रहे हो, उसको समझ लेना है। लोकल बेच रहे हो, इंटर किया, रेफरेंस नंबर दिया, बिल नंबर। अब यहाँ सेलेक्ट करना है अल्ट सी प्रेस करो, जो भी पार्टी आपसे माल खरीद रही है, आपने बना दिया मिस्टर सुभाष, इंटर किया, संडी डेप्टर। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका पूरा डिटेल सेट कर लेंगे। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, उसके लिए मैंने अलग सेशन बनाया है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, ये अपने लोकल में ही है, इनको हमने सेट कर लिया इनका नंबर। सेव किया और यहाँ पे डिलीवरी नोट वगैरह, डिस्पैच नंबर, ये सब चीज़ें हम सेट करते हैं, ऑर्डर नंबर जो भी होगा, पेमेंट का क्या मॉडिफिकेशन होता है वो सब सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्या, ध्यान देना, ये देखो सब हमारे पास बाकी जितने भी पीस थे 200 पीस थे, ठीक है ना, तो इनमें से घट के कितना हुआ, एक सामान बनाया है लेनोवो, 80 पीस दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, इंटर किया आपने, अब आपसे पूछेगा लोकेशन, स्पेस प्रेस करोगे आपको दिखेगा कहाँ पे, शॉप में, इंटर करो। जैसे बी टी एफ सेलेक्ट करोगे बैच नंबर, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट। आप क्वांटिटी कितना बेच रहे हो, आप बोले 80 पीस बेच रहे हो, पूरा पूरा बेच दो, आपको मिल जाएगा, इंटर करो। इंटर किया आपने, अगर आप चाहते हो कि एक पीस से आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर इंटर प्रेस करो, एक पीस देखो, इंटर करो। देख लो ध्यान से, यहाँ पे एक पीस का दाम कितना बना, 22,999। तो ये जो कैसे हुआ, ये राउंडिंग ऑफ करने पे हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपके पास कोई क्वेश्चन होते, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जितने बहुत सारे सामान होते हैं स्टैंडर्ड शोरूम में, वहाँ पे 999 वाले आइटम होते हैं, तो इनको करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप क्या किया करो, कोई भी अमाउंट हो 20 उसमें बढ़ा लो, और जो भी टैक्स हो उसमें 100 बढ़ा दो, और दोनों को डिवाइड कर लो, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। और बाउचर टाइप में कॉन्फ़िगरेशन करके यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करो, वहाँ पे जो मैंने बताया था उसको सेटिंग कर लेना, बाकी सब एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा, आपको दिख रहा ना 22,999। तो इस तरीके से बना पाना, ठीक है, बैक करो। हमने क्या किया था, 80 पीस बेच रहे थे, हमने सेट किया 80 पीस, ठीक है, इंटर किया, इसको सेव कर लेंगे। हमने सामान बेच दिया, अब इसको क्या करेंगे, जिसको सामान बेच रहे हैं हम, इनका पूरा पूरा डिटेल यहाँ पे फीड कर लेंगे, ये ई वे बिल जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ई वे बिल आप ऑटोमेटिक बना लोगे बहुत आसानी तरीके से, सेव कर लो, ठीक है, आपने सेव कर लिया। अब इसको देखना चाहते हो, बैक करो, डबल डी प्रेस करो, यहाँ पे हमने जो बनाया सप्लाई इनवॉइस, इसको प्रिंट कर लो, अल्ट साथ पी करो, वाई प्रेस करो, और वाई प्रेस किया आपने, अल्ट के साथ जेड करो, ये आपके पास आ गया पूरा पूरा डिटेल, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो लेनोवो लैपटॉप है, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह, ये सब आपको दिख रही है ना, ठीक है। तो ये तरीका होता है काम करने का। इस रिपोर्ट को आपने प्रिंट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वापस हम इस पर आएँ, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, प्रेस करना होगा F12, ठीक है, हम प्रेस करेंगे, इंटर करके आएंगे नीचे, यहाँ पर F12 प्रेस करिएगा, एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम नेम, यहाँ पे येस करिएगा। येस करने के बाद इसको सेव कर लीजिएगा। अब जैसे ही आइटम पे आपने क्लिक किया तो अब पूछेगा आपसे डिस्क्रिप्शन यानी मॉडल नंबर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मॉडल, ठीक है, जैसे आपने लिख दिया आइडिया पैड 100, ठीक है। और इसका जो सीरियल नंबर वगैरह होगा वो आप चाहते हो तो यहाँ पे सीरियल नंबर भी आप दे सकते हो, आपने लिख दिया, इसे हमने लिख दिया M0105K मॉडल, आपने सीरियल नंबर लिख दिया है, इसको सेव कर लो, ठीक है। जैसे आप सेव करोगे, आप देखो ध्यान से, ये इसके नीचे तुरंत आ जाएगा, तो एक कंप्लीट वर्क जो होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसको आप प्रिंट करना चाहते हो तो अल्ट के साथ P प्रेस करते हो और Y प्रेस करते हो और अल्ट के साथ जेड करते हो, ये आपको पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन में मालूम चल जाता है, ठीक है। आपने ये प्रेस करना और अल्ट के साथ जेड से जूम होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा पूरा डिटेल, ठीक है। तो यदि आपको ये पूरा वर्क प्रोसेस सेशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप चैनल पे न्यू हैं, नए हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब करें।